लेकिन सब कुछ मोबाइल में है, तो वहाँ सर्च करो और पढ़ते रहो, और उसके बाद टाइम है तो प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने का कोई क्या है, तो प्रैक्टिस करो, तो पहले शरीर को एक्सरसाइज करके ठीक करना। शरीर आपको जो करने चाहते हो शरीर आपको साथ देगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आप जो करने चाहते हैं तो आपको शरीर साथ नहीं देगा तो आपको कर नहीं पाओगे, ठीक है। मन के बारे में कोई पता नहीं है, जानकारी इतना कम है, बोलो क्योंकि साथ जो मन के बारे में जो किताब है वो साधु लोगों को लिखा, हम साधु लोगों को किताब पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड बॉडी एंड माइंड, ठीक है ना, मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू कंसेंट्रेट, ये सब किताब साधु लोगों को लिखा हुआ है, सस्ता सस्ता किताब, 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया हम खरीदते भी, एक सिगरेट से भी सस्ता, एक कप चाय से सस्ता, उसमें आपको सब कुछ मिल जाए। आपको कैसे मन को कंट्रोल करना है, मन का कितना लेवल है, ठीक है ना, मन कैसे काम करता है आपके लिए, ठीक है ना, मन ऐसा एक चीज़ है जो सारे ज्ञान आपको देते हैं, भला बुरा अच्छा बुरा सारे ज्ञान मन देते हैं, लेकिन बुद्धि ठीक करते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, मन नहीं जानते। मन का जो हायर स्टेज है वो आपका बुद्धि है, इंटेलेक्ट, इसके बाद जो है वो चित्त है, मेमोरी, इसके बाद जो है वो ईगो, अहंकार, एक चार चार लेवल है मन का, तीन अवस्था है मन, एक जागृत अवस्था होता है कॉन्शियस लेवल, एक सुख सब कॉन्शियस लेवल होता है अवचेतन स्तर होता है, एक अचेतन होता है जब हम सोया रहता है। और हम लोगों को क्या है, मन को हम काम नहीं देते हैं तो मन क्या करते हैं ना, अवचेतन स्तर में चले जाता है, मन जब अवचेतन स्तर में चले जाते हैं तो हमारे लिए मन काम नहीं करता, मन कुत्ता का मामले, बंदर का मामले, इधर उधर ज्यादा रहता है। अब 5 मिनट मन एक जगह में बैठ के मन को देखते रहो, कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्या क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए तो काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं किया, मन को काम देना है, जितना काम दोगे तो दिन में हम 90% या 95% टाइम जो है वो सबकॉन्शियस तो मन को छोड़ देते हैं। मन में बहुत सारे चिंता आते हैं, इधर उधर देखते रहता हूँ, करते रहता हूँ, धीरे धीरे मन हमें फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगेगा तो आपका आपका धीरे धीरे तो आप कमजोर होने लगोगे, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या करते हैं, कैसे नहीं होगा, वो क्या होगा, कोई कुछ बोला तो सुन के वो मन में चलत रहे, मन बहुत ड्रामा बाजी इतना नाटक बनाता है, बहुत नाटक, तो उससे मन से उसको कंट्रोल करना है, मन को माना करना है, वैसे ड्रामा मत बना, जो मैं काम देता हूँ वो करो, तो मन को काम देके भर्ती करके रखो, मन तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार है, आप लोग मन को काम नहीं देते तो क्या करो, बेकार इधर उधर समय खराब होता है, मन कभी कोई काम देते हो तो मना नहीं करते, कभी नहीं बोलते हमसे हम नहीं करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम दे दिया हम लोग, थक जाते ना घर वाले, मम्मी बोलते हैं ये काम करना है, ये काम करना, वो काम करना, हम थक जाते हैं, इतना काम क्या कैसे करें, लेकिन मन कभी नहीं बोलते, मन कभी नहीं सोते, आप सोते हैं लेकिन आपका मन सोते नहीं, मन कभी टायर्ड नहीं होते, थके थकते नहीं, थक गया भाई आराम करेंगे, कभी नहीं बोलते, आप एक काम सोचे तो आके बोलेगा कि वो काम तो हो गया, एक बार देख लो, अभी कर, अभी सुनोगे, अभी देखोगे, अभी करोगे तो आगे पूछेगा कि नहीं, आप एक घंटे बाद करेंगे क्या, घंटे बाद कोई काम दिए है आपको पसंद नहीं हुआ, आप बोलिए कि दूसरा काम करो, दूसरा काम सोचो, हाँ दूसरा और अच्छा करके सोच कर,
तो फिर सोचना है, वो तो पहले सोच लिया, वो तो है नया, फिर सोचे तुम्हारे लिए। तो मन, आपका मन जो है ये आपको आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, ऊपर ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ये मन आपको नीचे भी ले जाए, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, गर्मी की गंजा गर्दी के समझे ना, बुरा काम करता, काम करते एक बार तो बात है, मन ही करता। तो ये जो मन है, मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, सबको मन है, ठीक है, सबको मन, सबका मन अलग अलग है, सबका सोच अलग है, विचार अलग है, सबका अलग है, सबकी इच्छा अलग है,